हर महादेव एवरीवन, जय सियाराम। आप सभी को 2023 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं, यदि आपकी राशि टॉरस वृषभ है तो ये नया साल आपके लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपके लिए साल मिला जुला है। कहीं पर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है कुछ मंथ में, और कहीं थोड़ी सी निराशा भी आपको हाथ लगेगी। सबसे पहले बात करते हैं आप बिजनेसमैन की। अगर आपका बिजनेस है, आपको यहाँ पर अपनी सूझबूझ के द्वारा बहुत ही ज्यादा बड़े लाभ होंगे। समझदारी से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका बिजनेस यहाँ ग्रोथ करने वाला है। यदि आपकी कोई पुश्तैनी संपत्ति है तो वहां से भी आपको लाभ के योग बनेंगे। नया कारोबार भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जुलाई से लेकर अक्टूबर मंथ के बीच में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है और किसी कानूनी विवाद में नहीं फंसना है। अब बात करते हैं, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा साल। साल में आपको बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ये साल शेयर मार्केट अप और डाउन दोनों फेस करने वाला है बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे में आप सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको चाहिए कि आप पूरे साल माता लक्ष्मी की पूजा करें, स्पेशली फ्राइडे के दिन छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई का दान करें या खीर बना करके अपने घर में उन्हें बुला के खिलाएं। अब बात करते हैं, अगर आप जॉब करते हैं आपके लिए कैसा रहेगा साल। आपको यदि प्रमोशन की अपेक्षा है तो इस वर्ष आपके प्रमोशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर मंथ के बीच में आपको ध्यान रखना है कि अपने सहकर्मियों से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो। ये पीरियड आपके थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, बाकी पूरा साल आपके लिए अच्छा है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। अब बात करते हैं आप प्रेमी जोड़ियों के बारे में, कैसा रहेगा आपके लिए 2023। अगर आपकी टॉरस राशि है तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह होने के योग बनते हैं। जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में, उनके साथ आपका रिश्ता मधुर बना रहेगा। केवल यहाँ आपको अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में ध्यान रखना कि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए। बाकी पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज करें, यहाँ विवाह के योग आपके बहुत प्रबल बने हुए हैं। अब बात करते हैं, यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए साल कैसा रहेगा। आपके लिए साल बहुत अच्छा है, यहाँ आप पति पत्नी में संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे। केवल अक्टूबर तक, अप्रैल से लेकर के आपको अक्टूबर तक ध्यान रखना है कि आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट नहीं हो, तू-तू मैं-मैं नहीं होनी चाहिए, बात को बहुत बड़ा नहीं बनाना है। बाकी पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप विद्यार्थियों की बात करते हैं, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए साल बहुत अच्छा है। यहाँ आप जितना हार्डवर्क करेंगे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। आप यदि हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे संयोग बने हुए हैं। साल में आपको कहीं कहीं ऐसा लगा कि आपका मन पढ़ाई से भटक रहा है, ऐसे में आपको चाहिए कि आप गणपति बप्पा की नित्य दिन प्रतिदिन पूजा करें और गणेश चतुर्थी का पाठ करें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप, इंस्टा एंड FB ग्रुप में। कर भला तो हो भला, औरों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।